हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7B की प्रॉब्लम नंबर 18 तक का सलूशन किया था। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7B प्रॉब्लम नंबर 19। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स इनटू साइन एक्स। बहुत इजी प्रॉब्लम है। क्या करना है? लिमिट 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स। इस साइन 2x को हम टू साइन एक्स इनटू कॉस एक्स में कन्वर्ट कर दें। 2 को बाहर ले लें, 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस एक्स डीएक्स पुट कर लीजिए। साइन एक्स इज इक्वल टी, कॉस एक्स डीएक्स इज इक्वल डीटी। 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, पाई बाय 2 रखेंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ पर होगा टी स्क्वायर डीटी 2t³/3 लिमिट 0 टू 1 1/3 - 0 आंसर इज 2y। प्रॉब्लम नंबर 20। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/2 टू पाई e^x 1 - sin x अपॉन 1 - cos x। चलिए हमें देखते हैं π/2 टू पाई e^x क्या करें। यहाँ पर 1 - sin x को हाफ एंगल में तोड़ देते हैं, 1 - 1 + 2 sin² x/1 से ये 1 कैंसिल हो गया। π/2 π e^x 1 - sin x/2 cos x/2 / sin² x/2 dx लिमिट π/2 π e^x 1 के साथ में इधर लेना है, ठीक है, माइनस π/2 π e^x 2 sin x / 2 cos x / 2 sin² x / 2 dx 1/2 बाहर आ गया, cos² x / 2 dx माइनस π/2 π e^x cos(sin)² x / 2 dx। क्या करना है, इसे फर्स्ट ले लेता है, उसको सेकंड ले लेता है। 1/2 फर्स्ट e^x cot का cos² हो जाएगा माइनस cot(x/2) 1/2 लिमिट π/2 π माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ π/2 π फर्स्ट का एडिटिव लेना है, 3e^x और cos² x का करेंगे तो माइनस cot(x/2) / 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन π/2 π e^x cot(x/2) dx। देखिए मैं क्या बचा हमारे पास में, तो i = 1/2 ये अपॉन में 2 है बाहर आ जाएगा, 2 और अंदर क्या बचा, माइनस e^x cot(x/2) लिमिट π/2 π। इसी तरह से ये वाला 2 भी बाहर आ जाएगा, 2/2 ये माइनस से ये माइनस में प्लस हो गया, लिमिट π/2 π e^x cot(x/2) dx माइनस
इस टू से टू और ये पूरा टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पर वैल्यू रखते तो माइनस को बाहर कर लिया, e की पावर पाई कॉट पाई बाई टू माइनस e की पावर पाई बाई टू कॉट पाई बाई टू रखेंगे तो पाई बाई फोर हो जाएगा। तो माइनस e की पावर पाई कॉट पाई बाई टू जीरो माइनस e की पावर पाई बाई टू वैल्यू आ गई e की पावर फाइव बाई टू। प्रॉब्लम 21 जीरो टू फाइव बाई टू कॉस स्क्वायर एफ साइन स्क्वायर एफ डी। तो यहाँ पर देखिए क्या करें, फोर से डिवाइड करते हैं और फोर से ही मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको, ठीक है ना। क्यों किया ऐसा, क्यों कर रहे हैं इसको, टू साइन एक्स और कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा ये वन बाय फोर लिमिट जीरो टू फाइव बाई टू साइन स्क्वायर टू एक्स डी। क्या करें, फिर टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पर कर लें, यहाँ हमारा आ जाएगा वन बाई एट लिमिट जीरो टू फाइव बाई टू वन माइनस कॉस फोर एक्स डी। बहुत इजीली इसका हो जाएगा वन बाई एट एक्स कॉस का होगा साइन फोर एक्स अपॉन फोर लिमिट जीरो टू फाइव बाई टू वैल्यू डाल दें वन बाई एट फाइव बाई टू रखेंगे यहाँ पर माइनस वन बाई फोर साइन फोर इंटू फाइव बाई टू और जब जीरो रखेंगे तो दोनों ही जीरो हो जाने, साइन जीरो जीरो होता ही है साइन टू एक्स यानी ये भी जीरो हो गया वन बाई एट इंटू फाइव बाई टू माइनस जीरो टू फाइव बाई सिक्सटीन आंसर। प्रॉब्लम नंबर 22 लेट आई इज इक्वल टू लिमिट जीरो टू फाइव बाई टू ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जीरो। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, लिमिट जीरो टू फाइव बाई टू ई की पावर एक्स जीरो टू फाइव बाई की पावर और तक जीरो। तब देखिए यहाँ पर थोड़ा हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसको फर्स्ट और किसको सेकंड लिया जाए ताकि ये हमारा कट जाए, है ना। तो क्या करें अब हम, और हम इसको फर्स्ट लेते हैं, देखिए मेरा काम बन जाएगा, हम फर्स्ट ले लें और इसको हम सेकेंड लेंगे। कैसे, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एज इट इज रहना माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, पहले तो लिमिट लगा देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कॉस एक्स ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए क्या हुआ, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए साइन फाइव बाई टू इन की पावर फाइव बाई टू साइन जीरो इंटू की पावर जीरो हो गया वन इन की पावर फाइव बाई टू और यहाँ हो गया जीरो आंसर आ गया इन की पावर। प्रॉब्लम नंबर 23 लेट आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू फाइव बाई टू साइन एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत ही इजी सवाल है, स्पष्ट दिख रहा है, कॉस को पुट करना है, पुट करिए कॉस एक्स इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स
इक्वल टू डी टी देन साइन ऑफ टी एफ इक्वल टू माइनस डीटी। लिमिट रखिए, जीरो रखेंगे तो वन आ जाएगा, कहीं टू रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर माइनस बाहर हो गया। अब ये सीधा हमारा फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स, है ना, तो माइनस टेन इनवर्स टी इक्वल टू जीरो माइनस टेन इनवर्स जीरो माइनस टेन इनवर्स वन। क्या रखेंगे, माइनस टेन इनवर्स जीरो जीरो, ये आ गया माइनस फाइव बाई फोर। फाइनली फाइव बाई फोर आंसर। प्रॉब्लम नंबर 24, लेट आई इक्वल टू जीरो टू फाइव बाई फोर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स अपॉन कॉस टू दी पावर फोर एक्स प्लस साइन टू दी पावर फोर एक्स। तो एक ट्रिक मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, जब भी ऐसा दिखेगा तब क्या करेंगे, कॉस को कॉमन कर देंगे, जितनी भी कॉस की पावर है उसको आपको कॉमन कर देंगे। तो साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स कॉस पावर फोर एक्स कॉमन करेंगे तो साइन अपॉन कॉस यानी कि टेन ऐसे बन जाएगा। इस कॉस की पावर से एक ही कैंसिल हो जाएगी, तीन बचेगी हमारे पास, है ना। तो एक तो हमारा कॉस इसके साथ चला गया साइन के साथ में, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया टेन है, और एक कॉस स्क्वायर बचेगा वो ऊपर जाएगा तो सेक्स अपॉन वन प्लस, और इसको हम टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर रखते हैं। नीचे देखिए अगर इसको पुट करें तो ये मिल जाएगा ऊपर वाली, तो हम पुट कर लें टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी टू टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई जीरो रखेंगे तो जीरो मिलेगा, फाइव बाई फोर रखेंगे तो वन मिलेगा, है ना। डी टी बाई टू अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, वन बाई टू बाहर आ गया, जीरो टू वन डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। सीधा टेन इनवर्स फॉर्मूला है, तो वन बाई टू टेन इनवर्स टी लिमिट जीरो टू वन, वन बाई टू टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स जीरो, वन बाई टू फाइव बाई फोर माइनस जीरो फाइव बाई एट इज फाइनल। प्रॉब्लम नंबर 25, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू फाइव बाई टू डीएक्स अपॉन फोर प्लस थ्री कॉस एक्स। देखिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हमें, जैसा कि पीछे हम इसकी ट्रिक बता चुके हैं आपको, जब भी ऐसा दिखेगा तो हम कॉस को किस में कन्वर्ट करेंगे, फौरन हम कॉस पे फॉर्मूला लगाएंगे, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डी एक्स अपॉन फोर प्लस थ्री वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, लिमिट जीरो टू फाइव बाई टू इसका ऐसे मिलेंगे और इसको ऊपर भेज देंगे, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स फोर प्लस फोर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस थ्री माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स बाई। पर देखिए क्या हो गया, सेट हो गया हमारा, और नीचे चार और तीन सात और प्लस टेन स्क्वायर एक्स, हम क्या करें टेन को पुट करें, ऊपर हमें मिल गया डेरिवेटिव इसका, पुट टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बाई टू बराबर डी टी sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू डी।
लिमिट रखेंगे, जीरो रखेंगे तो जीरो मिल जाएगा, पाई बाई टू रखेंगे यहाँ पर पाई बाई फोर हो जाएगा, टेन पाई बाई फोर वैल्यू वन। टू डी टी अपॉन सेवन को हम रूट सेवन का होल स्क्वायर लिख लें और इसको हम टी स्क्वायर लिख लें, यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया हमें, तो क्या आ जाएगा टू अपॉन रूट सेवन टेन इनवर्स टी अपॉन रूट सेवन लिमिट जीरो टू वन। देखिए क्या आएगा टू बाई रूट सेवन टेन इनवर्स वन बाई रूट सेवन माइनस टेन इनवर्स जीरो, तो आंसर आपका आ जाएगा टेन इनवर्स वन बाई रूट सेवन। ये भी आंसर हो सकता है आपका, और अगर आप इसको बुक के आंसर से मैच करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, जो हमने पुटिंग ली है यहाँ पर, इस पुटिंग में टी की जगह पर आपको रूट सेवन टी पुट करना होगा। हम यहाँ से इसको मिटा लेते हैं, फिर आपको हम करके दिखा देते हैं। क्या हो जाएगा सेट स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स वाई टू इक्वल टू रूट सेवन डी टी और सेट स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स इक्वल टू रूट सेवन डी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जीरो, अब पाई वाई टू रखेंगे पाई वाई फोर वन आ जाएगी और इसकी जगह पर हमारा मिल जाएगा टू रूट सेवन डी टी अपॉन सेवन प्लस सेवन टी स्क्वायर, तो ये कॉन्स्टेंट सारे कॉमन हो जाएंगे, रूट सेवन अपॉन सेवन लिमिट जीरो टू वन डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। इधर कर लेते हैं इसको, अच्छा ये रूट सेवन से सेवन कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा टू बाई सेवन और यहाँ आ गया आपका टेन इनवर्स टी लिमिट जीरो टू वन, टू अपॉन रूट सेवन टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स जीरो टू बाई रूट सेवन इंटू फाइव बाई फोर माइनस जीरो, ये टू से आपका फोर कैंसिल आ जाएगा, फोर रूट सेवन फाइव अपॉन टू रूट सेवन आपका आंसर है। टेन प्रॉब्लम नंबर 26, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू रूट साइन पाई कॉस टू द पावर फाइव पाई और टी। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, क्या साइन है तो रूट में है, अगर रूट ना होता तो हम कॉस को सीधे पुट कर सकते थे। अब अगर हम साइन को पुट करते हैं तो यहाँ पर कॉस तो बहुत सारे हैं, तो क्या किया जाए कॉस की पावर को थोड़ा सा कम कर, साइन फाई और कॉस की पावर फोर फाई और कॉस फाई को लेते हैं। अब इस फोर को जो है हम लोग क्या करें, कॉस स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना। जीरो टू पाई बाई टू रूट साइन फाइव और इसे वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर कॉस फाइव ठीक हो गया। क्या करना है अब, साइन पुट करना है, पुट साइन फाइव इज इक्वल टू टी कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी, ये पार्ट डी टी में गया हमारा, लिमिट रखेंगे जीरो तो साइन जीरो जीरो, फाइव बाई टू रखेंगे तो वन आ जाएगा, रूट टी वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। अब क्या करें, इस होल स्क्वायर को ओपन कर लें, जीरो टू वन रूट टी वन प्लस टी की पावर फोर माइनस टी स्क्वायर डी टी, इस रूट टी को अंदर ले चलते हैं
जीरो टू वन टी की पावर वन बाई टू रूट है ना वन बाई टू, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा फोर प्लस वन बाई टू, तो टू टू जा फोर, तो फोर टू जा एट वन नाइन, देन टी की पावर नाइन बाई टू माइनस टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा टी की पावर टू टू जा फोर प्लस वन यानी कि फाइव बाई टू और टी। इसलिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, कितना आएगा आर इज इक्वल टू टी की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस टी की पावर यहाँ कितना हो जाएगा अलेवन बाई टू अपॉन अलेवन बाई टू माइनस टू टी की पावर सेवन बाई टू अपॉन सेवन बाई टू लिमिट जीरो टू वन, इनको लट दीजिए दो बटे तीन लिमिट दो, दो बटे ग्यारह ग्यारह बटे दो, यहाँ कितना हो जाएगा फोर बाई सेवन सेवन बाई लिमिट जीरो टू वन। वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखते हैं टू बाई थ्री, अब वन की पावर रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना, तो टू बाई इलेवन माइनस फोर बाई सेवन माइनस जीरो रखेंगे तो ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा सतहत्तर और सेवेंटी सेवन इंटू थ्री कितना हो गया टू थ्री वन, सेवेंटी सेवन सेवेंटी सेवन टू जा वन फिफ्टी फोर प्लस सात इक्कीस इक्कीस गुना बयालीस माइनस तैतीस सबको कितना हो गया एक सौ बत्तीस, ठीक है बयालीस जाएगा नब्बे बचेगा नब्बे इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिक्सटी फोर अपॉन टू थर्टी वन आंसर। प्रॉब्लम नंबर 27, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू फाइव बाई टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, कोई भी इसमें दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल सीधा सा सवाल है, जस्ट इंटू सेकेंड लेना है आपको यहाँ पर, तो फर्स्ट कॉस साइन का हो जाएगा माइनस कॉस का लिमिट जीरो टू फाइव बाई टू माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू फाइव बाई टू इसका हो गया टू एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स डी एक्स, वैल्यू रखेंगे माइनस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर कॉस फाइव बाई टू माइनस माइनस प्लस जीरो कॉस जीरो कुल मिला के पूरी कंडीशन ये तो जीरो हो गई माइनस माइनस प्लस टू आर आ गया जीरो टू फाइव बाई टू एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना अभी वही सिचुएशन है हमारे सामने, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड यहाँ देखेंगे तो कॉस फाइव बाई टू जीरो होता है और ये ऑलरेडी जीरो है ही, प्लस टू इन ब्रैकेट फर्स्ट सेकेंड तो क्या हो गया साइन है लिमिट जीरो टू फाइव बाई टू माइनस टू लिमिट जीरो टू फाइव बाई टू एक्स का हो गया वन यहाँ हो गया साइन या और टी देखिए फाइव बाई टू साइन फाइव बाई टू माइनस जीरो साइन जीरो माइनस टू साइन का क्या होगा माइनस कॉस लिमिट जीरो टू फाइव बाई फाइव बाई टू साइन फाइव बाई टू वन ये तो जीरो हो गया माइनस माइनस प्लस टू कॉस फाइव बाई टू माइनस कॉस थ्री, इस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव बचेगा यहां पर जीरो माइनस वन यानी फाइव माइनस इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन dx upon x square plus 2x plus 5 बहुत इजी है, माइनस वन टू वन dx x square plus 2x परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें यहाँ वन चाहिए होगा तो 5 का वन ले लिया 4 बचा इसके पास में
माइनस वन टू वन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो वन अपॉन ए यानी टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन टू, लिमिट माइनस वन टू वन, वन बाय टू टेन इनवर्स वन रखेंगे, वन प्लस वन अपॉन टू माइनस टेन इनवर्स माइनस वन प्लस वन अपॉन टू ये तो जीरो हुआ, और ये वन प्लस वन क्यू उससे टू कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हो गया टेन इनवर्स वन यानी कि फाइव बाय फोर, और यहाँ कितना गया जीरो, फाइव बाय एट आपका आंसर। प्रॉब्लम नंबर 29, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाय 2 dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। तो अभी मैंने पीछे एक प्रॉब्लम में बताया था जब इस टाइप का आएगा क्या करना है, cos स्क्वायर को कॉमन बनाना है ना। तो 0 टू पाई बाय 2 क्या करें, कॉस स्क्वायर को कॉमन कर लें। अब यहाँ पे आपके पास में दो चॉइस है, चाहे तो हम कॉस इसके साथ में जो भी टर्म चल रहा है उसे भी कॉमन करें या उसको उसके ये साथ छोड़ दें। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, इस सिर्फ कॉस कॉस को ही कॉमन कर रहे हैं, है ना, और कुछ भी कॉमन। तो कॉस स्क्वायर कॉमन किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बन गया टेन स्क्वायर, जीरो टू फाइव बाय टू कॉस कर जाएगा स्क्वायर बन जाएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब हम बी टेन एक्स को पुट करें, पुट बी टेन एक्स इक्वल टू टी बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड सेक स्क्वायर बाय बी, पेमेंट जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर फाइव बाई टू रखेंगे तो टेन फाइव बाई टू इंफिनिट वैल्यू यहाँ इंफिनिट आ जाएगी। बी टी बाय बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी, ठीक है, वन अपॉन बी तो बाहर आ गया, ये वही पीछे फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, तो वन अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए लिमिट जीरो टू इनफिनिटी, तो वन अपॉन ए बी यहाँ पर क्या मिलेगा टेन इनवर्स इनफिनिट माइनस टेन इनवर्स जीरो, वन अपॉन ए बी हो गया फाइव बाई टू माइनस जीरो एंड फाइव बाई टू ए बी किया है। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट वन टू टू वन बाई एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर ई की पावर टू एक्स डी एक्स, बहुत ही इजी सवाल है, बस क्या करना है भैया इसको जो है अलग अलग कर लीजिए, माइनस की कॉन्स्टेंट टर्म वन बाई टू बाहर आ गया, वन टू टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर टू एक्स डी एक्स, अब सीधा आइलेट रूल यहाँ पर अप्लाई करना है, ये हमारा अलजेब्रिक पार्ट है, इसको फर्स्ट लेना है और इसको सेकेंड, तो फर्स्ट वन अपॉन या सेकेंड का करेंगे तो अपॉन टू लिमिट वन टू टू माइनस इंटीग्रेशन लिमिट वन टू टू वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन, इन भाई साहब को ऐसे ही बना रहने दीजिए। ठीक है, क्यों वो भी देखते हैं, तो भाई इस वाई टू को तो बाहर कर लेते हैं, पहले टू रख लेते हैं थ्री की पावर फोर अपॉन टू माइनस वन रख लेते हैं थ्री की पावर टू अपॉन वन। ठीक है, ये माइनस बाहर आया, माइनस माइनस प्लस हुआ, वन बाई टू बाहर आ गया, लिमिट वन टू टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी एक्स
सेम एज हमें यहाँ पर मिल गया है, इसीलिए हमने इस टर्म को सॉल्व नहीं किया था, ठीक है ना। ऊपर से अब e की पावर 2 कॉमन कर लेते हैं, e स्क्वायर और इसका एलसीएम ले लें, माइनस 2 4 आपका। देखते हैं भाई लास्ट प्रॉब्लम 31। लेट I इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाय 2, इसे प्रूव करना है, तो आप यहाँ पर LHS भी लिख सकते हैं, ठीक है। dx अपॉन 1 प्लस 2 cos f, अभी बिल्कुल हम लोगों ने एक प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व की, क्या करना है cos की जगह पर हमें क्या रखना है, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन tan स्क्वायर x बाई 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 एलसीएम लेंगे, ऊपर भेज दें, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x बाई 2। ये तो हमारा जो है पार्ट हो गया sec स्क्वायर x बाई 2 dx, 1 और 2 3 हो गया, माइनस tan स्क्वायर x पुट कर लें, tan x बाई 2 इक्वल टू t sec स्क्वायर x बाई 2 dx बाई 2 बराबर dt, sec स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल टू 2 dt, लिमिट रखें 0 पे 0 पाई बाई 2 तो 4 पाई बाई 4 हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, तो 2 dt अपॉन 3 को रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, तो फॉर्मूला हमारे पास था इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1 अपॉन 2 a log a प्लस x अपॉन a माइनस x, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, इसमें यहां से इरेज करते हैं, इक्वल टू तो 2 तो बाहर आ गया, क्या रहेगा 1 अपॉन 2 रूट 3 log 2 3 प्लस t अपॉन रूट 3 माइनस t लिमिट 0 टू 1। इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, 1 बाय रूट 3 वैल्यू रखते हैं, log रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 माइनस log रूट 3 प्लस 0 अपॉन रूट 3 माइनस 0, 1 बाय रूट 3 log, यहाँ कंजुगेट मल्टीप्लाई करा लें, रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया माइनस log 1, देखिए क्या बचा हमारे पास में, 1 बाय रूट 3 log ऑफ रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, ये तो 0 हो गया, तो 1 बाय रूट 3 log ऑफ इसको खोल दें, 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2, 1 बाय रूट 3 log ऑफ ये 4 हुआ, ये 2 तो 2 तो कॉमन कर ले, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 बाय रूट 3 log ऑफ 2 प्लस रूट 3, फाइनली आपका यही आर एच एस है। स्टूडेंट्स आज आपकी एक्सरसाइज 7 भी कंप्लीट हो गई है और आपको सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। अब जो अगला आपका चैप्टर आने वाला है जिसमें कि प्रॉपर्टीज आपको
मालूम होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उस क्लास में मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज के प्रूफ बताऊंगा, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को कैसे ड्राइव किया गया है। और एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपको प्रॉपर्टी के प्रूफ आ गए सारे, तो फिर आगे आपको सवालों में कतई दिक्कत नहीं जानी, ठीक है ना। प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम्स में दिक्कत बस यही आती है, क्योंकि हम लोग सीधे सिर्फ प्रॉपर्टी को रटते हैं, है ना, प्रूफ नहीं उसके देखते हैं। तो आपको प्रॉपर्टी के सारे प्रूफ करने हैं, उनको करके देखना है, उनके डेरिवेशन देखने हैं। तो इसलिए आपकी अगली क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास।